See students, now I am teaching you some important points related with the parallel lines and transversal. Now see, when two lines are there, these two lines are there, let us name it L and let us name it M. Okay, two lines are there, L and M, and we consider that this L and M are parallel. We are assuming this L and M are पैरेलल. हम मान के चल रहे हैं कि L इज पैरेलल टू M. तो डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड. अब यहाँ पे एक लाइन किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए ऐसी, और इस लाइन को भी एक नाम दे देते हैं, एल एम एन ओ दे देते हैं या P दे देते हैं. ये P, तो जो P है ये ट्रांसवर्सल है. जो लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करते हुए ऐसे निकल रही है ये कहलाती है ट्रांसवर्सल. आई एम रिपीटिंग अगेन, तो पी कहलाएगी ट्रांसवर्सल. जब ट्रांसवर्सल फॉल करती है दो पैरेलल लाइंस पे, तो देयर आर सम पेयर्स ऑफ एंगल्स जो कि फॉर्म होते हैं. तो वी विल स्टडी दैट पेयर ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, व्हाट आई एम मेकिंग इज हियर, ये दिख रहा है एंगल सबको, और ये वाला, कैन यू सी, ये दोनों एंगल्स की वैल्यूज इक्वल होंगी. अगर इसकी वैल्यू ए है, ओके, तो दिस विल आल्सो बी ए. अगर मैं इसका नाम दे देती हूँ एंगल वन, और इसको नाम दे देती हूँ मैं एंगल थ्री, ओके, आई एम गिविंग डिफरेंट नेम, एंगल वन दे देती हूँ और एंगल थ्री दे देती हूँ, तो एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल थ्री. और हम इसको बुलाएंगे, व्हाट वी विल कॉल, वी विल कॉल इट एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. वी विल कॉल इट एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक और पेयर बनेगा यहाँ पे. अगर हम ध्यान से देखें, इफ आई टेक इट एज एंगल फोर और इसको ले लेती हूँ एंगल फाइव, ठीक, तो अगेन एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. मीन्स एंगल फोर विल बी इक्वल टू एंगल फाइव, एंड वी विल कॉल इट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये एंगल्स इक्वल ही होंगे इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल. इफ आई एम रिपीटिंग अगेन, एल इज पैरेलल टू एम. अगर एल एम के पैरेलल नहीं होगी तो होंगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही, बट दे विल नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं होंगे. क्लियर? हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अगर ये एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ओके, इस केस में हम ले लेते हैं कि लाइंस पैरेलल नहीं है, इसको मान लेते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं आर, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल निकाल देती हूँ मैं, ओके, और इसको नाम दे देते हैं W. तो आप देख के यू विल गेट एन आइडिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है तो अल्टरनेट इंटीरियर ही, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में है और एक राइट में और एक लेफ्ट में, अल्टरनेट और अंदर है इसलिए इंटीरियर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर, बट दे विल नॉट बी इक्वल. आप देख के अपने को फीलिंग आ रही ना, दिस इज स्मॉल एंड दिस इज बिग. तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, इफ लाइंस आर not parallel, then this alternate interior angles will not be equal. Clear? तो हमने ये पढ़ा एक alternate interior angles के बारे में. Similarly, अगर हम इस figure को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक और pair of angles बन रहे हैं, okay? और ये angles के लिए अब देखिए मैं symbol अलग use कर रही हूँ. You can see? And I'll name it as angle 2 and I'll name it as angle 6. So again, angle 2 or angle 6, दोनों इस parallel line के बाहर की तरफ है, एक इधर है और एक इधर है, मतलब alternate, एक उधर और एक इधर, और दोनों lines के बाहर. तो we will call this pair of angles again alternate. ये भी alternate ही है, but ये कौन से हैं? एंगल टू विल बी इक्वल टू एंगल सिक्स. ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट ही हो गए,
बट ये अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, ये हो गए हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल तभी होंगे जब एल इज पैरेलल टू एम, ये दो लाइंस आपस में क्या होंगी पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। अगेन यू कैन सी हियर एक और पेयर बन रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का, इट्स वेरी क्लियर यहाँ पे, ये देखिए मैं इसको ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ओके, अब आई टेक इट एज एंगल 7 एंड आई टेक इट एज एंगल 8, तो अगेन एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। कौन सा एंगल होंगे, ये भी होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सेम कंडीशन, ये इक्वल तभी होंगे व्हेन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल्स विल नॉट बी इक्वल। हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगर हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने को आया तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें, या आप चाहें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव कर दें। यू कैन से सिंस अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल द लाइंस आर पैरेलल, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर लाइंस विल बी पैरेलल। और इसके अपोजिट भी यूज होगा कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइंस पैरेलल है, इसकी वैल्यू दे दी 30 डिग्री और पूछा कि एंगल 3 पता लगाओ, तो इजीली यू कैन राइट कि एंगल 3 भी 30 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? इनको बहुत अच्छे से बार बार ड्रॉ करके परमानेंटली लर्न करना, समझ के याद करना, नॉट ओनली लर्न इट। ओके, अब हम एक दूसरे टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे।